एवरीवन, मैं रुबेल आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ आसाम हिस्ट्री से, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा अपकमिंग जो आसाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2022, जिसमें ग्रेड 3 और ग्रेड 4 का पोस्ट है। और ये वीडियो आपको हेल्प करेगा DHS के एग्जाम में भी, और जो DLED का जो SCERT DLED का पेट एग्जाम है उसमें भी हेल्प करेगा। सो जिन्होंने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इससे पहले मैंने 3 पार्ट कंप्लीट किया आसाम हिस्ट्री से और ये चौथा पार्ट है। सो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और व्हाट्सअप में मेरा ग्रुप है, आप लोग उस ग्रुप में अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप में मैसेज कीजिए। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9101467653। आप लोग मुझे मैसेज कीजिए, मैं उस ग्रुप में आप सबको ऐड कर दूंगा और आपका प्रिपरेशन और भी अच्छा हो जाएगा। सो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, यानी 61 क्वेश्चन। व्हाट वॉज द सिमिलैरिटी एमोंग द हेम सरस्वती, कविरत्न सरस्वती एंड हरि हर विप्र। सो क्या सिमिलैरिटी है हेम सरस्वती, कविरत्न सरस्वती एंड हरिहर विप्र। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑलोयर कामरूपी पोएट। ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 62, हुइच डायनेस्टी मेड देयर कैपिटल एट माइबोंग। कौन सा डायनेस्टी ने अपना कैपिटल माइबोंग में बनाया था। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कछाड़ीस। ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 63, हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस द क्रीमेशन ऑफ द डेड एमोंग द अहोम। सो किसने फर्स्ट शुरू किया था क्रीमेशन ऑफ द डेड एमोंग डेड एमंग द अहोम्स। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फुलेश्वरी कुंवरी। क्वेश्चन नंबर 64, ड्यूरिंग भास्कर वर्मन्स रेन द मेजर इंडस्ट्री इन कामरूप वाज। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बोट बिल्डिंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 65, अकॉर्डिंग टू रामायण अमृत राजा वॉज द फाउंडर ऑफ द किंगडम ऑफ। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रागज्योतिष। क्वेश्चन नंबर 66, फेमस कामरूपी पोएट हेम सरस्वती वॉज ए कोर्ट पोएट ऑफ कामातापुर्स किंग। सो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, दुर्लभ नारायण। क्वेश्चन नंबर 67, इन 1585 कोच किंगडम वॉज विजिटेड बाई एन इंग्लिश ट्रेवलर, व्हाट वॉज हिज नेम। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राल्फ फिच। क्वेश्चन नंबर 68, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फेमस फॉर एस्ट्रोलॉजी। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रागज्योतिषपुर। ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 69, हुई अमंग द स्वर्गदेव बिल्ड द टेम्पल ऑफ उमानंद। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उमानंद किसने बनाया। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गदाधर सिंह। क्वेश्चन नंबर 70, रत्नमाला कंपाइल्ड बाई पुरुषोत्तम विद्याबागीश इज वर्क ऑन। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ग्रामर। ध्यान रखना, रत्नमाला कंपाइल किसने किया था, पुरुषोत्तम विद्या बगीश ने। सो ये क्या क्या चीज़ है इसमें, ग्रामर, ये ग्रामर बुक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 71, द 350 माइल्स लॉन्ग ओल्ड गुहाई कोमलाली कनेक्ट कोच बिहार विथ। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नरनारायणपुर। क्वेश्चन नंबर 72, इन व्हिच ईयर किंग नरनारायण डाइड। कौन से साल में किंग नरनारायण का मृत्यु हुआ था। सो राइट आंसर ऑप्शन ए, 1587। क्वेश्चन नंबर 73, हरिया मंडल द फादर ऑफ द फर्स्ट कोच किंग विश्व सिंह ओरिजिनेट फ्रॉम हुइच विलेज ऑफ ग्वालपाड़ा डिस्ट्रिक्ट। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चिकनाबाड़ी। क्वेश्चन नंबर 74, हुइच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेट वर्क ऑफ शंकरदेव। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कीर्तन घोषा। क्वेश्चन नंबर 75, व्हाट वॉज द नेम ऑफ द ग्रैंड मदर ऑफ शंकरदेव। सो राइट आंसर है ऑप्शन सी, खैरश्रुति। क्वेश्चन नंबर 76, प्रोविंशियल सेल्फ ऑटोनॉमी वॉज इंट्रोड्यूस टू आसाम फ्रॉम। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1935। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 हुआ उसके एक्ट के द्वारा ये किया गया। क्वेश्चन नंबर 77, हुच मुगल जनरल इन्वेटेड अहोम किंगडम एंड ऑक्युपाइड गुड़गांव। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मीर जुमला। क्वेश्चन नंबर 78, रघुदेव वॉज द सन ऑफ। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चिलाराय। क्वेश्चन नंबर 79, किंग विश्व सिंह फादर वॉज। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हरिया मंडल। और आज का लास्ट क्वेश्चन, धरंगराज वंशवली इज भाई। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बलादेव सूर्यंकरी द्वैभोजन। अच्छे से देख लेना, बलादेव सूर्यकारी द्वैभोजन। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।